हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बता रहे हैं कि गाइस, अगर आपके चैनल पर 1 से 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद गाइस, आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाना चाहते हो। तो कैसे हटाओगे गाइस, आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके सिंपली आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यूट्यूब पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता होगा। तो आपको सिंपली यूट्यूब के लोगो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली चैनल स्टेटस एंड फीचर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्लोज पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। और गाइस, ये मेरा डेट कंप्लीट हो चुका है। 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको मैं कैसे इसको मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाना है, आपको मैं जब बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। एक्टिवेट कॉपीराइट स्ट्राइक पर आपको सिंपली क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस दिखाई देता होगा, आपको सिंपली नीचे की ओर आना है। और गैस, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 17 अप्रैल 2021 में मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था। और एक ही दिन में मुझे गैस 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था। और गैस, ये कैसे मिला था, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो गैस जाके आप वॉच कर लेना। और गैस, आप कभी भी ऐसा गलती मत करना। तो गैस, मैंने गलती किया है तो मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद गैस, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट स्ट्राइक स्कूल, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। और गाइस, जैसे आपके 4 में से 2 आपके राइट हो गए और 2 गलत हो गए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कम से कम मतलब आपके 2 तो सही होने चाहिए। और गाइस, आप जानना चाहते हो कि ये पूरा आंसर राइट कैसे हो, तो गाइस मैंने आप देख सकते हो स्क्रीन पर, साइड वाले स्क्रीन पर आपको सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर सर्च करना है कॉपीराइट स्ट्राइक क्वेश्चन एंड आंसर, आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट स्ट्राइक क्वेश्चन एंड आंसर 2021, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप देख सकते हो वहाँ पर सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, मैं भी इसी टाइप से करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे चुका हूँ। और गाइस, आपको और सबको गाइस अलग अलग क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो मैंने सिंपली फिलअप कर लिया। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर सिंपली चेक आंसर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर राइट हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। और गाइस, मैं आपको भी मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि मेरे चैनल में से कॉपीराइट स्ट्राइक हट चुका है। आपको सिंपली क्रोम पर आना है। क्रोम पर जाने के बाद आपको सिंपली यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने और फ्रेंड्स, आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे हम लोग गए थे पहले स्टेप से। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना। आपको सिंपली चैनल एंड स्टेटस फीचर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके गैस आपको क्लोज कर देना। और गैस, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ से हट गया है। आई होप गाइस, आपको वीडियो देखने के बाद आपके चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनते रहते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।